क्या आपको रेस्टोरेंट स्टाइल वाले मंचूरियन घर में खाने का मन कर रहा है? तो चलिए, देर किस बात की है, घर में बनाते हैं। सबसे पहले पत्ता गोभी को कद्दूकस कर लूँगी मैं, और मैं इसमें गाजर डाल रही हूँ, गाजर को भी मैं कद्दूकस कर लूँगी। अब मैं एक कप मैदा इसमें मिलाऊँगी। अब मैं एक कप राइस फ्लोर, चावल का आटा इसमें डालूँगी, और थोड़ा सा गर्म मसाला डालूँगी, अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूँगी, चाइनीज़ नमक अजीनोमोटो जिसे कहते हैं वो डालूँगी, और कश्मीरी मिर्च यानी देगी मिर्च, नमक, पिसी हुई काली मिर्च, और इसे अच्छे से हमने गूंध लेना है। जैसे आटा गूंधते हैं ना, ऐसे ही हमने इसे अच्छे से गूंध लेना है ताकि इसमें मसाला अच्छे से मिल जाए। ये देखिए, अच्छे से इसकी वो बन गई है। अब इसे हमने छोटे छोटे बॉल बना के हल्की आँच में फ्राई करने हैं, नहीं तो ये एकदम जल जाएंगे। आप इसे बहुत जितने आपको बॉल बनाने हैं आप उसे बना के डालते रहिए, और इसे हल्की आँच में इसे पकाते रहिए। तेज़ आँच करेंगे तो ये जल जाएंगे। ये देखिए ब्राउन हो रहे हैं, ये ब्राउन हो रहे हैं ना। अब इसे अच्छे से ब्राउन तेल इसका निकाल कर आप इसे निकाल लीजिए, टिश्यू पेपर में रख लीजिए जिससे इसका सारा तेल सूख जाए। अब मैं एक अलग से पैन में लहसुन और प्याज को डालूंगी और इसे फ्राई करूंगी। अब इसमें मैं टमाटर डाल दूंगी, हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं आप, आपको जितना मिर्च तीखा खाना है उतने हिसाब से। अब इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए, हाफ टेबल स्पून। अब इसमें मैं नमक डालूंगी, अब मैं इसमें लाल मिर्च डालूंगी और फिर इसे अच्छे से भून लूंगी। अब इसमें मैं डालूंगी कैप्सिकम, शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के बगैर तो ये चाइनीज़ फूड बेकार ही है, उससे अच्छा स्वाद आता है, बच्चे खा भी लेते हैं इस भारी सब्ज़ी। अब इसमें मैंने अजीनोमोटो डाला है थोड़ा सा। अब मैं इसमें काली मिर्च डालूंगी पीसी हुई। अब ये डालूंगी टोमेटो सॉस। अब इसमें सोया सॉस डाल दूंगी, और ये देखिए अच्छे से इसकी ग्रेवी बन रही है ना। अब मैंने कॉर्नफ्लोर को पानी में डालकर पेस्ट बनाया है ताकि ये इसमें डाल लूँ तो ये अच्छे से इसकी ग्रेवी बन जाएगी। अब ये देखिए, इसमें हम हल्का सा पानी डाल लेंगे, आपको जितना ग्रेवी बनाना है उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने अब ये बॉल इसमें डालने हैं, ये देखिए मैंने इसमें डाल दिए, और इसे अच्छे से चला लूँगी। थोड़ी देर पकाना है ताकि ये अच्छे से मुलायम पड़ जाए। आ रहा है ना इसमें अच्छा लुक, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, सच में खाने में बहुत ही टेस्टी बने हैं। ये देखिए, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना घर में बना के खाइए, और सच में इतना अच्छा टेस्ट आया है, बहुत अच्छा कलर भी आया, बच्चों को पसंद भी आया।